ड्रेसिंग रूम में उदास बैठता है, बाथरूम में बैठकर रोता है। टीम इंडिया का ये खिलाड़ी घंटों खुद को कोसता है। बॉलर से टिप्स लेता है, विकेट कीपर से बल्ला मांगता है, 10 गेंद खेलकर खुश होता है, फिर से रोने लगता है। दिग्गजों के बीच भिड़न करवाता है, फैंस की ना कुछ सुनता है ना कभी कुछ बोलता है, खुद में ही खोया खोया रहता है। टीम इंडिया के दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी से ना बात करते हैं ना ही बाहर निकलकर एंजॉय करना चाहते हैं। बीते 72 घंटे तो उनके लिए ऐसे रहे हैं मानो जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला वो हार चुके हों। धोनी से लेकर विराट कोहली तक ने बुरा दौर देखा, लेकिन ऐसा बुरा दौर क्रिकेट जगत के इतिहास में कम ही देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले दिनेश कार्तिक ने अपने बुरे दिन का अनुभव बताते हुए कहा था, जब मेरा बल्ला नहीं चल रहा था मैं ड्रेसिंग रूम में उदास बैठा रहता था, बाथरूम में बैठकर रोता था और उसके बाद बाहर आकर सोचता था कि ये वक्त कब गुजरेगा, कब मैं फॉर्म में लौटूंगा। जो हाल तब दिनेश कार्तिक का था वो आज केएल राहुल और पृथ्वी शॉ का है। केएल राहुल के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अश्विन और अक्षर से भी टिप्स लेने लगे हैं, क्योंकि उनसे बेहतर आजकल यही बैटिंग करने लगे हैं। पर राहुल चाहे कुछ भी करें, सोशल मीडिया पर उनके प्रति लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। ये ट्वीट की जड़ी दिग्गज वेंकटेश प्रसाद के हैं, जिन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट में बताया कि राहुल को क्यों नहीं खिलाना चाहिए, जबकि आकाश चोपड़ा राहुल के बचाव में उतर आए हैं। हद तो तब हो गई जब आकाश चोपड़ा ने वीडियो चैट का ऑफर वेंकटेश को दे दिया, फिर वेंकटेश आकाश चोपड़ा का वो वीडियो ढूंढ लाए जिनमें वो केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी को पितातुल्य बता रहे हैं। पर बवाल यही नहीं थमा, बल्कि उसके बाद हर्षा भोगले और हरभजन जैसे दिग्गज भी इस लड़ाई में उतर आए। और हरभजन ने तो ये तक कह दिया कि भाई राहुल का बल्ला नहीं चल रहा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसके पीछे मत पड़ो, उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि केएल राहुल आईपीएल में लखनऊ के कप्तान भी हैं। ऐसे में उन्हें ये तक सलाह दी जा रही है कि आप आईपीएल छोड़कर इंग्लैंड जाओ और काउंटी क्रिकेट खेलो ताकि बेसिक में सुधार कर सको। कई दिग्गज कहते हैं कि राहुल को ऐसा करना भी चाहिए, पर राहुल के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि वो बाहरी विवादों पर ध्यान नहीं देते। ये तस्वीर देखिए, कैसे दोनों हाथों से कान बंद किए हुए खड़े हुए हैं, जैसे लगता है उन्हें विवादों या ट्रोल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्रिकेट चीज ही ऐसी है जहां विवाद एक बार आपके पीछे पड़ जाए तो आप चाहे लाख कोशिश कर लें उससे पीछा छुटता नहीं है, और यही आजकल केएल राहुल और पृथ्वी शॉ दोनों के साथ हो रहा है। कहते हैं कि दिनेश कार्तिक ने जैसे 37 साल की उम्र में टीम में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत की, खुद को साबित करके दिखाया, वैसा ही पृथ्वी शॉ ने भी किया है। पर सपना गिल से उलझे तो कहानी ही पलट गई। अब कब टीम में आएंगे इसका जिक्र भी नहीं होता, क्योंकि अब उस लड़की ने पृथ्वी के ऊपर छेड़छाड़ का केस कर दिया है। मतलब पृथ्वी अब क्रिकेट की पिच से हटकर मुकदमों में उलझने वाले हैं। आप इन दोनों खिलाड़ियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।